दोस्तों अगर आप नोकिया के फैन से और नोकिया का एक पावरफुल गेमिंग और 5G स्मार्टफोन खरीदने के सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नोकिया ने दोस्तों सालाना आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में नोकिया G400, नोकिया C100, नोकिया C200, नोकिया G100 और नोकिया 2760 स्मार्टफोन की घोषणा की थी और ये सभी स्मार्टफोन दोस्तों आपको इसी साल देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों कंपनी ने नोकिया G400 स्मार्टफोन पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्दी दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। ये स्मार्टफोन दोस्तों कंपनी का बजट 5G और गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अगर दोस्तों आप भी नोकिया के फैन से तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नोकिया G400 स्मार्टफोन से जुड़ी सभी खबरों के बारे में कि कंपनी इसकी प्राइस क्या रखने वाली है, कौन से स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स के साथ ये फोन आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलने वाला है और क्या हमें इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड होने वाला है, इसकी बैक प्लास्टिक की होने वाली है, इसकी फ्रेम प्लास्टिक की होने वाली है, फ्रंट में शायद आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल सकता है। डिजाइन की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन की डिजाइन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 कैमरे की हाउसिंग मिलने वाली है, उसी के बाजू में LED फ्लैश लाइट और नीचे की ओर कंपनी की ब्रांडिंग मिलने वाली है। फ्रंट में दोस्तों आपको वाटर ड्रॉप नॉट डिस्प्ले मिलने वाली है। अब दोस्तों जिस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उस प्राइस पॉइंट पर कंपनी को कम से कम पंच होल डिस्प्ले तो देने ही चाहिए थी। यहाँ पर दोस्तों अभी कंपनी बहुत ही ज्यादा पीछे है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन दोस्तों एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मानी जाती है। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में कंपनी ने 651 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो दोस्तों उसके प्राइस के हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ पर कंपनी को दोस्तों सुपर एमोल्ड या फिर कम से कम एमोल्ड डिस्प्ले तो देने ही चाहिए थी। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो अभी तक दोस्तों यह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी माने तो कंपनी यहाँ पर भी सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट ही देने वाली है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने एक अच्छा खासा चिप शेयर दिया हुआ है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको क्वालकॉम का काफी शानदार और पावरफुल स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट मिलने वाला है, जो दोस्तों 5G चिपसेट है। ये चिपसेट दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट है और यहाँ पर आपको हीटिंग के इश्यू काफी कम देखने को मिलते हैं। आपकी डे टू डे की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी सही रहने वाली है और दोस्तों अगर आप गेमर हैं और गेमिंग करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको हीटिंग के इश्यू काफी कम देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको AAA कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसका मेन कैमरा 248MP का होने वाला है, जबकि 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसरलेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 8MP का कैमरा सेटअप ही दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी को कम से कम 13MP का कैमरा सेटअप तो देना ही चाहिए था। अब बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन को पावर प्रदान करने के लिए आपको यहाँ पर 5000 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों वो कितने वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी इसके बारे में दोस्तों अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वेरिएंट की अगर बात करें तो कंपनी स्मार्टफोन को सिंगल 6GB रैम एंड 120GB फास्ट स्टोरेज के वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। प्राइस की अगर बात करें तो भारतीय बाजार में यह स्मार्टफोन करीब 17,000 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है। कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को ब्लू एंड ग्रे दो कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। अदर स्पेसिफिकेशन की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक की फैसिलिटी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि क्या हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो कतई नहीं दोस्तों आपको स्मार्टफोन के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर 17,000 के प्राइस पॉइंट पर कंपनी स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च करती है तो इससे भी काफी शानदार स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स वाले स्मार्टफोन इससे भी कम प्राइस में आपको ऑलरेडी भारतीय बाजार में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको स्मार्टफोन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप हमें अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।